हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको ERP सॉफ्टवेयर के माध्यम से देना है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो हमारे स्कूल का जो ERP सॉफ्टवेयर है, स्टूडेंट ERP, उसको डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को कैसे डाउनलोड करते हैं, इससे संबंधित ट्यूटोरियल वीडियो पहले बनाई जा चुकी है। और अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है ERP सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में, तो आप एक बार अपने क्लास टीचर से ज़रूर पूछिए इसको। मैंने अपने इस मोबाइल में स्टूडेंट ERP सॉफ्टवेयर डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये स्टूडेंट ERP के नाम से दिख रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये स्टूडेंट पोर्टल के नाम से एक लॉगिन पेज खुलेगा। यहाँ पे आपसे स्कूल कोड पूछेगा। आप जैसे बहुत से बच्चे जानते होंगे कि स्कूल कोड क्या है हमारे स्कूल का। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये स्कूल कोड अपने ERP ऐप में टाइप कर सकते हैं। स्कूल कोड डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपसे स्टूडेंट एडमिशन नंबर, जो भी आपका एडमिशन नंबर है, वो एडमिशन नंबर यहाँ से टाइप करना है। और फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। और अगर कोई पासवर्ड है तो पासवर्ड, अदरवाइज़ बिना पासवर्ड टाइप किए आप इसको सबमिट कर देंगे। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए टाइप कर लेता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एडमिशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो भी पासवर्ड था, अगर पासवर्ड वो डाल दिया। अगर आपने पासवर्ड नहीं बनाया है तो आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यहाँ से सेक्शन ABCD दिया हुआ है तो उसको अगर B है तो B सेलेक्ट कर लेते हैं। बच्चों, ये ध्यान देना है कि आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ A ऑप्शन पे ही क्लिक करना है और दूसरा कोई ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद जैसे मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा, मेरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड पर मैं अपना होमवर्क भेज सकता हूँ और एग्ज़ाम भी दे पाऊँगा। तो चूँकि एग्ज़ाम देना है मुझे, तो मैं एग्ज़ाम वाले मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं एग्ज़ाम वाले मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा तो जो भी एग्ज़ाम होगा उस डेट का, जिस डेट पे है, चूँकि ये डेमो एग्ज़ाम है इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। आपका जो भी एग्ज़ाम जिस दिन होगा वो वही एग्ज़ाम आपको उसी दिन डिस्प्ले होगा। हो सकता है एग्ज़ाम 9 बजे से शुरू हुआ है तो आपको एग्ज़ाम 8 बजे से दिखना शुरू हो या 8:30 बजे से दिखना शुरू हो सकता है। तो उसके लिए आप पैनिक नहीं करेंगे कि आपको एग्ज़ाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले आपको एग्ज़ाम दिखना शुरू होगा। अच्छा, जब जो भी एग्ज़ाम आपका है वो एग्ज़ाम की डिटेल्स आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगी कि स्टार्ट टाइम कितने बजे से पेपर स्टार्ट होगा और कब एंड टाइम क्या है और पेपर कितने बजे ख़त्म होगा। MM का मतलब है कितने मैक्सिमम मार्क्स का है और पासिंग मार्क्स इसमें से कितना आपको चाहिए, ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब मैं यहाँ से जैसे कंटिन्यू टू एग्ज़ाम करूँगा तो यहाँ पर हमारा पेपर शुरू हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पेपर का क्वेश्चन दिख रहा है उसको, अगर आप नीचे एक आंसर का बॉक्स दिया हुआ है, आप चाहें तो, अगर बड़े बच्चे हैं, अगर आंसर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं विद इन टाइम, तो आप यहाँ पे आंसर टाइप कर सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे इसमें टाइप मोबाइल में टाइप नहीं कर सकते, तो वो क्या कर सकते हैं कि आंसर को कॉपी पे अपने उस सब्जेक्ट की फेयर नोटबुक में अपना आंसर टाइप करेंगे। केवल और केवल आंसर टाइप करेंगे, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर टाइप करना है और उसकी फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे डाल देनी है। अब यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट कर्सिव कैपिटल लेटर्स A to Z। अब इसका आंसर मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है नोटबुक में। तो अब मैं इसकी फ़ोटोग्राफ क्लिक करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ से चूज़ फाइल दी हुई है नीचे ऑप्शन। तो जैसे चूज़ फाइल पे आप क्लिक करेंगे, आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, कैमरा और फाइल्स, यानी कि हम कैमरे से फ़ोटो डायरेक्ट खींच के क्लिक करके डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कैमरा ऑन कर दिया है। अब मैंने यहाँ से फ़ोटोग्राफ क्लिक करनी है। अब मैंने फ़ोटोग्राफ क्लिक कर ली। अब यहाँ से टिक बटन है, इस टिक बटन को मैंने टिक किया।
और अपनी इमेज को मैं ऊपर नीचे घुमा के क्रॉप भी कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं जिस 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 प्रोसेस से कर रहा हूँ वही प्रोसेस आपको अपनानी है। जितनी इमेज है, जितनी ज़रूरत है, जितने में मेरा आंसर डिस्प्ले हो रहा है, केवल वही आंसर, वही पोर्शन मैंने क्रॉप किया और यहाँ से फिर राइट वाले ऑप्शन पे टिक कर दिया। जैसे मैं टिक करूँगा, आप देखिए वो मेरा आंसर यहाँ पे आ गया। अब बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दो एरो की बने हुए हैं, फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड एरो की और टू लेफ्ट एरो की। अब आप यहाँ से फॉरवर्ड एरो की पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर टू पे आ गए हम। और अगर बैकवर्ड दबाएं, एरो की पे दबाएंगे तो हम वापस से पहले क्वेश्चन पे आ गए। चूँकि हमने पहला आंसर ऑलरेडी यहाँ पे टाइप कर रखा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन के लिए जो इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब मैं फॉरवर्ड की पे क्लिक करूँगा, एरो की पे, और हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब चूँकि यहाँ पे दिख रहा है सी द पिक्चर्स एंड राइट द फ्रूट्स नेम, अब ये मैंने क्वेश्चन देख लिया और इसका आंसर मैं अब फटाफट टाइप कर लूँगा। पहला है, आपको इमेज बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप केवल और केवल आंसर लिख सकते हैं। अब चूंकि अब इसका आंसर मैंने टाइप कर लिया, नोट डाउन कर लिया है, अब फिर से वापस से मैं चूज़ फाइल पे जाऊंगा, कैमरा पे क्लिक करूंगा और उसके बाद इसकी फ़ोटोग्राफ क्लिक करूंगा। मैंने यहाँ पे इस फोटोग्राफ को क्लिक कर लिया। अब इसको मैं क्रॉप करूँगा। और फिर से राइट एरो की पे क्लिक करूँगा। अब आप ये देखेंगे कि मेरा दूसरा आंसर भी यहाँ पे आ गया। बैक जाके मैं देखता हूँ, पहला आंसर भी है और दूसरा आंसर भी है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आगे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा पेपर अब ख़त्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, और भी कोई क्वेश्चन हमारे बचे नहीं हुए हैं। अब अभी भी मेरे पास 7 मिनट का बचा है, 7 मिनट टाइम बचे हुए हैं। अब मैं यहाँ से जब हमारा, अब हम इंश्योर हो जाएंगे कि अब हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है, तो उसके बाद ही हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा पेपर पूरा हो गया है, हमने आंसर पूरे अपलोड कर दिए हैं, अब हम यहाँ से फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू फाइनल सबमिट, यू वॉन्ट बी एबल टू अपडेट आंसर्स, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू कंटिन्यू। कह रहा है कि अगर आप ओके कर देंगे तो आप दोबारा आंसर इसमें कोई अपडेट नहीं कर पाएंगे। हमको करना भी नहीं है क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी, तो हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, आपका सक्सेसफुली सबमिटेड लिखा हुआ आएगा। जैसे सक्सेसफुली सबमिटेड लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपका पेपर सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। यहाँ से वापस से ओके पे क्लिक कर दें। और जब आप अब दोबारा से एग्ज़ाम पे जाएंगे तो आपका यहाँ स्टेटस शो करेगा सबमिटेड, ठीक है, यानी कि आपने पेपर सक्सेसफुली सबमिट कर चुका है और वो टीचर तक पहुँच चुका है। ये ध्यान रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि बिना पूरा पेपर सॉल्व किए, बिना फ़ोटो अपलोड किए फाइनल सबमिट नहीं करना है। अगर आपने गलती से फाइनल सबमिट कर दिया तो आपका पेपर आधा आधा क्या अधूरा पेपर आपका सबमिट हो जाएगा और आप दोबारा उस पेपर को नहीं दे पाएंगे, और किसी भी कंडीशन में आपका वो पेपर दोबारा नहीं लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है, जब भी आपका जब आपका पूरा श्योर हो जाए कि आपका पेपर कंप्लीट हो गया है, आपने फ़ोटो अपलोड कर दी हैं या फिर आंसर टाइप कर दिया है, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके पहले आपको फाइनल सबमिशन नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको बच्चों कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8395824637 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।